मैं डॉक्टर वसीम चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल होमियो केयर क्लिनिक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या क्या रीजंस हैं जिससे एलर्जी डेवलप होती है, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूजफुल है, और एट द एंड कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा। एलर्जिक राइनाइटिस को हे फीवर, नाक की एलर्जी, एलर्जिक जुकाम भी कहा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? जैसे वर्ड से ही पता चलेगा, एलर्जिक राइनाइटिस एक एलर्जिक कंडीशन जो हमारे नाक में डेवलप होती है, जिसकी वजह से छींके, नाक से पानी, जुकाम आना, ये सब स्टार्ट होता है। इसमें कुछ ऐसे होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम एक स्पेसिफिक एलर्जन से रिएक्ट करती है, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है नोज़ के अंदर। उसकी वजह से नोज़ के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है और फिर एलर्जी यानी कि सर्दी, छींके के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट साइन सिम्टम जो है वो है जुकाम, नाक से पानी बहना, कंटिन्यूस पानी आते रहना, छींके आना, छींकों का कंटिन्यूस अटैक हो जाता है, स्नीजिंग के कंटिन्यूस 10 से 15 15 छींके आने लगती हैं, गले में खराश होना, नाक में खराश होना, ये सब सारे सिम्टम्स हैं। अगर यही सिम्टम्स अगर आगे बढ़ जाए तो सर भारी लगना, सर में हेडेक हो जाना, ये सब सिम्टम्स हैं, और कुछ कुछ पेशेंट में फीवर भी आ सकता है। आँखों से पानी आना, आँखों में खुजली होना, नाक बंद हो जाना, ये सारे सिम्टम्स रह सकते हैं। अगर आपको धूल में जाने से, पानी, ठंडा पानी पीने से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से अगर आपको छींके स्टार्ट हो जाए, तो आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। हर किसी की एलर्जिक सेंसिटिविटी अलग अलग हो सकती है। किसी को धूल में जाने से, किसी को कुछ खट्टा खाने से, कुछ आइसक्रीम खाने से एलर्जी हो सकती है। हर एक का सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कारण हैं जिसके वजह से एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप हो सकता है। सबसे कॉमन सिम्टम जो देखा गया है वो जेनेटिक, हेरिडिटरी। अगर आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा किसी को एलर्जी हो, या फिर फैमिली के जनरेशन में अगर किसी को एलर्जी हो, तो आपको हो सकती है। अगर इस टाइप के नहीं, किसी और टाइप के स्किन एलर्जी हो, या फिर कुछ और टाइप की एलर्जी हो, उससे भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप हो सकता है। धूल में जाने से, ठंडा खाने से एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। कुछ खाने में चीज़ें आने से, जैसे कुछ टाइप के नट्स, जिससे उससे भी एलर्जी हो सकती है। अगर घर में पेट हैं, पेट के बालों से, सॉफ्ट टॉयज से, उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। अचानक क्लाइमेट चेंज होने जाने से, या फिर कुछ लोग जो कंटिन्यूसली ह्यूमिड वेदर में रह रहे हैं, कोस्टल एरियाज़ में रह रहे, जैसे मुंबई, चेन्नई, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर रह, और अचानक वो ठंडे क्लाइमेट में आ जाए, जैसे पुणे, बैंगलोर, वहाँ पर उस क्लाइमेट में आने की वजह से बॉडी उसे जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाता है, और आपको एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप हो सकता है। खाने में अगर कुछ आप ऐसे चीज़ें खा रहे हैं जैसे नींबू, दही, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, उससे भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये सिम्टम्स, स्नीजिंग, छींके अगर कभी कभी आ रही है तो कोई इश्यू नहीं, पर अगर ये आपको बार बार आ रही है, फ्रीक्वेंटली आ रही है, तो आपको इन फ्यूचर साइनस, पॉलिप, कंटिन्यूस हेडेक, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा भी होने के चांसेस हैं। तो इसे आप सही टाइम पे ही ट्रीटमेंट लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसे हम पहचाने कैसे, डायग्नोस कैसे करें, उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें इओसिनोफिल आपका हाई अगर आ जाए, या फिर आईजीई टेस्ट करवा सकते हैं, वो भी एक इंडिकेटर है। अगर आपको कौन सी चीज़ से एलर्जी है अगर वो जानना है, तो आप एलर्जिक स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आप धूल, मिट्टी, डस्ट, माइट्स,
खाने में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सब आपको ट्रेस आउट हो जाएगी। उसको कंट्रोल करने से आप आपके एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़फुल है एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, मेडिसिन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आपके नज़दीकी एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, उन्हें आप आपके साइन एंड सिम्टम्स बताएं। डॉक्टर कुछ आपको सिम्टम्स पूछेंगे, डॉक्टर कुछ डिटेल में आपके जाएंगे, कौन सी एलर्जी, किस चीज़ की एलर्जी है, किस इंटेंसिटी से है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर मेडिसिन, उसका पोटेंसी और रिपीटेशन आपको आपके डॉक्टर दे सकते हैं। दोस्तों, खुद से मेडिसिन बिल्कुल स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस जड़ से ख़त्म हो सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, ये एलर्जिक राइनाइटिस हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से, हमारा एलर्जिक सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से ये एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही आपको एक बेटर वर्क करेगा, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा और आपकी एलर्जी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, फॉर नॉलेज पर्पस, अगर कुछ मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये सारी मेडिसिन आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। फर्स्ट, सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 200। ये आप वीकली वंस ले सकते हैं। बड़ों के लिए 4 बूंद डायरेक्टली टंग पे डाल सकते हैं, बच्चों के लिए 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे या फिर पानी में मिक्स करके या फिर ग्लोबुल्स में ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सोराइनम 1 mg। ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, ये आपको मंथली वंस ही लेनी चाहिए। बड़ों के लिए 4 बूंद डायरेक्टली टंग पे ले सकते हैं, बच्चों के लिए 2 बूंद डायरेक्टली या फिर पानी में मिक्स करके या फिर ग्लोबुल्स में ले सकते हैं। इसे आप 3 से 4 महीने तक कंटिन्यूसली ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन, तीसरा मेडिसिन जो है वो एलियम सेपा। अगर आपके नाक में से कंटिन्यूस पानी बह रहा है, छींकें आ रही है, तो ये एक्यूट मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसे आप दिन में 3 से 4 बार भी ले सकते हैं। 4-4 बूंद टंग पे डायरेक्टली बड़ों के लिए यूज़फुल है, बच्चों के लिए 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे या फिर गुनगुने पानी में या फिर ग्लोबुल्स में मिक्स करके। नेक्स्ट मेडिसिन यूज़फुल है नेट्रेमूर 30। ये भी एक स्ट्रांगली इफेक्टिव मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल करने के लिए। इसे भी आप एक्यूटली ले सकते हैं, इसे आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो यूज़फुल है हिस्टामिनम 200। ये सभी टाइप के एलर्जी के लिए यूज़फुल है। ये आप अगर कंटिन्यूस दिन में 2 बार लेते रहें तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी एलर्जी कम हो सकती है। ये सारी मेडिसिन जो हैं वो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए यूज़फुल हैं और लाभदायक, आपके लिए भी लाभदायक हो सकती हैं। पर जितना हो सके उतना आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे ही प्रॉपर मेडिसिन लें। कुछ चीज़ों का आप अगर ध्यान रखें तो आपकी एलर्जी कंट्रोल में रह सकती है। जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होने की वजह से अगर आपको तकलीफ होती है तो आप उसे ध्यान में रख लीजिए। पोल्यूटेड एरिया में नहीं जाना है, वहाँ पर ध्यान रखिए। फ्लक्चुएटिंग वेदर्स की वजह से अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो उस पर अगर आप ध्यान रखें, उस पर अगर आपका बॉडी को मेंटेन रहे तो उससे आपको एलर्जी कंट्रोल रह सकती है। घर में अगर पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसे ना रखें, उससे भी एलर्जी डेवलप हो सकती है। चीज़ें, ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें खाने से अगर आपको तकलीफ़ होती है, अगर उससे अगर आप कंट्रोल रखें तो एलर्जी नहीं डेवलप होगी या फिर कंट्रोल में रहेगी। ये सारी प्रिकॉशंस लेने से आप अलॉन्ग विथ मेडिसिन लेने से आप आपके एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और विथ मेडिसिन, कंटिन्यूस मेडिसिन, ये पूरा जड़ से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक हो। दोस्तों, इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।
ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी नया वीडियो अगर मैं डाल सकूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।